क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वी। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसको बनाना है? मोदी जी को। जोर से बोलो। जोर से बोलो। मोदी जी को। जोर से बोल। जोर से बोल। मोदी जी को। जोर से बोलो। मोदी जी को। मोदी जी जिंदाबाद। हाथ के जोर से। जोर से बोल। मोदी जी जिंदाबाद। भाव जी आपका नाम क्या है? सुशील। सुशील जी कौन से गांव के हो? चरचमी के। हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है वर्तमान के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के अंदर आप केंद्र के अंदर किसकी सरकार देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी। राहुल गांधी की कोई भी दो खास बात बताओ। काम कर रखे हैं जी कांग्रेस ने। अच्छा जी, ठीक है। बढ़िया काम कर रखे हैं, नुहाक मकान बनवा रखे हैं जी, राशन कार्ड बनवा रखे हैं। ठीक है। अभी जो आप पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार चलाई उसके अंदर यदि कोई आपको गलत बात लगी है तो वो बताइए, यदि कोई अच्छी लगी है तो वो बताओ। इसमें सरकार में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो बताओ कि क्या क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान भी कुछ नहीं हुआ जी, फायदा भी कोई वो नहीं हुआ जी। अच्छा, तो आपकी तरफ से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में से कौन बने? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा जब जब केंद्र के अंदर उनके सांसद होंगे। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जितने चुनाव लड़कर के सीट चाहिए उतनी सीट के ऊपर बहुमत के ले जाए। 272 कम से कम सीट चाहिए, 272 के ऊपर तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा फिर? भाई एक मिनट। हाँ जी, गठबंधन के उससे। अच्छा, गठबंधन के उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलवान सिंह जी, आप के यहाँ पर हिंदुस्तान में भारत देश के अंदर लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर है प्रधानमंत्री कौन बने जो आपके देश के लिए अच्छा होगा? अच्छा, हमारी जो है कोशिश, इन्हें कोई काम नहीं करा। आपका गांव कौन सा है? गुमाना। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मतलब और प्रदेश से आवाज़ सुने। हाँ, के प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। तो मोदी, तो आप क्या चाहते हो? बनेगा तो हम कितने दूर जाएंगे फिर। ठीक बात, तो आप भी चाहते हैं मोदी बने? हैं मोदी। ठीक है, यू प्लान और देख ले। अच्छा, ये प्लान और देखोगे? हाँ, तो फिर आपका जो है ये प्लान अगर आप मोदी का देख रहे हो तो फिर आपके जो है सांसद के अंदर भी एक प्लान देख लो। एक प्लान ही दिया है आपने? ये का देख लिया। हाँ, एक ही प्लान देखा ना? हाँ, ना यू इसे अगले मेरा काटेगा। अच्छा, यू कौन है? इसे अगले प्लान में काटेगा ये। ठीक है, यू नहीं कुछ नहीं कुछ। धन्यवाद, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी को बनाएंगे? मोदी को क्यों बनाना चाहते हैं? मोदी को अच्छे काम कर रहा है जी। अच्छे कौन से काम है? काम सही कर रहा है जी, करके जी। हाँ बोलो, जो आपको दिल में आती है वो बताओ, आप कोई भी एक अच्छा काम बताओ उनका। अच्छा काम सही कर रहा है जी, काला धन तो वापस जा रहा है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप के इस गांव के नाम क्या है इसका? इसका गुलामागढ़ी। अच्छा, तो हम यहाँ पर आए हैं, चुनाव चल रहे हैं आजकल, हम उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि आपने वोट देना है। मोदी, मोदी, हम मोदी को देंगे। मोदी वाला भी मोदी को दिया है, भी मोदी को देंगे। अच्छा, उसका कारण क्या है? कोई गैस कनेक्शन मिले हैं? मेरे को नहीं मिला सिलेंडर, नहीं मिला मेरे को, मैं आग जलाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। हाँ, लेकिन फिर भी देगी मोदी को? हाँ, देगी मोदी को। चलो ठीक, मोदी को दूंगी। धन्यवाद। राकेश कुमार, थोड़ा जोर से बोलिए भाई। राकेश कुमार। राकेश कुमार जी,
आपके यहाँ पर चुनावी माहौल के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और किसे बनना चाहिए। हाँ जी, हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए सर। मोदी की ऐसी क्या विशेषता है और क्यों नहीं बने? सर मोदी की ये खास बात है कि अच्छी अच्छी स्कीमें ला रहा है, गरीबों का साथ दे रहा है, फ्री में गैस सिलेंडर बांट रहा है। सबसे बढ़िया बात ये चौकीदार के ऊपर जो बात आई है, जनता के ऊपर बात आई है ना, मोदी को ही लाना जरूरी है। अच्छा, आपको उज्ज्वला योजना के बारे में आपने बताया जी। हैं, आपको ये भी पता होगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है जी, और ये। तो इसके अंदर सरकार का जो वर्तमान सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है या केंद्र सरकार की जो सरकार ने काम किए हैं उससे आप कितने संतुष्ट और कितने असंतुष्ट? सर हम तो संतुष्ट ही है, कांग्रेस सरकार में तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, सारी जमीनें जमीने सब चली गई। अच्छा, एक्वायर होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में आ चुके हैं। हाँ जी, हम तो फिर भी मोदी के साथ ही है। अरे कमाल है यार, आपका जो ना मुख्यमंत्री रहे दो बार वो हैं, फिर भी आप उनके साथ में ही हैं। नहीं, अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात की है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये आपका नाम क्या है? रजनी। रजनी जी, आप कौन से गांव से हो जी? पांची गुजरान के अंदर हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार किसकी बने? मोदी जी की। मोदी की सरकार के अंदर क्या विशेषता है? बहुत फायदा किया जी हमारा तो। क्या फायदा कर दिया? पूरा गांव का सिलेंडर है, हर चीज की हमें तो बहुत सुविधा हुई है। अच्छा, आपको सिलेंडर भी मिले हैं? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, तो आप इसलिए मोदी सरकार के साथ में? हाँ जी। आपके यहाँ पर विशेष बात क्या लगती है जो नरेंद्र मोदी की आपको लगती है? ये गाँव कभी स्वच्छ नहीं रहता था जी, इतने स्वच्छता में आ गया ये गाँव। अच्छा अच्छा, यहाँ पर स्वच्छता अभियान भी अच्छा काम अच्छा चल रहा है, तो इसका श्रेय तो आपके जो है ना सरपंच पदवी को जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर इसमें नरेंद्र मोदी ने क्या किया? प्रचार तो वहीं से हुआ चालू, तो ही तो आगे। अच्छा 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 अच्छा, ये जगदीश कक्कड़ कुछ नहीं कर रहा है? जगदीप ने भी सब कुछ करा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो बहुत अच्छा। आपने जो है मतलब कि इस टाइम आप कौन सी सरकार बनाना चाह रहे हो? मोदी सरकार। मोदी सरकार, धन्यवाद आपका। गुड्डी, थोड़ा जोर से बोलना माता जी, जो हमारे को सुनाई देगा है। हाँ, हम यहाँ पर आए हैं चुनाव के बारे में पता करने के लिए, बिल्कुल सच्ची बात जानना चाहते हैं हम। किसी पार्टी के नहीं, हम किसी जो ना संस्था के नहीं, हम हैं बिल्कुल पत्रकारिता के साथ में एक साफ गोई लेके आने वाले। हम जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी? मोदी की सरकार। क्या मोदी का क्या है विशेष? हाँ जी, क्या विशेषता है उसकी? वो गरीबों की सहायता नहीं कर रहा। अच्छा, गरीबों की सहायता कर रहे हैं? हाँ जी। आपकी सहायता हुई है? देखो जी, हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। कोई भी आपको मोदी की अच्छी बात लगती हो? हाँ जी लगती है, हमारी पेंशन बढ़ाएगा। अच्छा, पेंशन तो खैर आपकी बढ़ गई, डबल हो गई है पेंशन तो, 1000 से 2000 हो चुकी है। हाँ जी। तो इसी का आपको जो मतलब की अच्छा लग रहा है। उम्र कितनी होगी आपकी? हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? पैंतालीस साल में माता जी पेंशन नहीं बनती है। 70 की होगी। हाँ, तो आप 70 साल के हैं इसलिए आपको पेंशन मिल रही है। ठीक है, आपको पेंशन मिली, आपको जो है ना क्षेत्र में साफ सफाई हुई है, आप लोगों को जो है ना सिलेंडर मिले हैं, तो इसलिए नहीं मिले जी, हमने तो मोल ले रखे थे जी। अच्छा, आपने मोल ले रखे थे? अच्छा, आपने मोल ले दे और फिर भी आप मोदी को वोट देंगे? और नहीं देंगे, देंगे जी। देंगे? अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका।